हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें नहीं पता क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज का अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आपको फिर दूसरे कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि नंबर लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे मेन जो कन्फ्यूजन रहता है ना बच्चों का, वो यही रहता है कि नंबर लाइन आखिर ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर प्लस और माइनस कैसे करना है ये सिखाऊंगा। यहाँ पर तो देखो बोला जा रहा है ऐड द फॉलोइंग इंटीजर, और सभी में प्लस का भी साइन है, लेकिन एक कंफ्यूजन करने के लिए आपको यहाँ पर माइनस वाला नंबर भी दे दिया ऐड करने के लिए। तो अब इसे कैसे किया जाए, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना ना, कि जब कभी भी माइनस वाला नंबर दिया रहे प्लस करने के लिए, तो हम जानते क्या है कि माइनस वाला नंबर किधर रहता है नंबर लाइन में, लेफ्ट साइड में रहता है ना। तो बस आप क्या करना, बाया कदम चलना, पीछे कदम चलना शुरू कर देना, यानी कि 9 से आप क्या करना, लेफ्ट में नंबर चलना, लेफ्ट साइड में बढ़ना। उसी तरीके से अगर हमको प्लस वाला नंबर ऐड करने के लिए दिया रहे, तब हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। जैसे -5 में प्लस कितना करना है, 10 करना है, प्लस वाला 10 है, ये निगेटिव वाला तो 10 है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट साइड में आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगर माइनस वाले नंबर को प्लस करना रहे तब हम लोग लेफ्ट में बढ़ते हैं, और प्लस वाले नंबर को प्लस करना रहे तो राइट में बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, अभी मैं नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करूँगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। और नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करना है ये मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ कॉपी में जल्दी से। जैसे देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कितना बोला है, 9 में प्लस करना है -6। तो आप देख कर ही समझ जाओ कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ 9 है स्टार्टिंग में, उसमें -6 प्लस करना है, यानी कि हमको 9 से पीछे बढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करना, एक मीडियम साइज का लाइन बना लो, उसमें कुछ लाइन्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉ कर लो, और फिर नंबर जो लिखना शुरू करना ना, तो राइट साइड से लिखना शुरू करना, बिकॉज हमारे पास प्लस वाला नंबर है, और हमको बढ़ना किधर है, बाएँ तरफ बढ़ना है, लेफ्ट साइड में बढ़ना है। कभी भी निगेटिव नंबर को अगर प्लस करना रहे तो हम लोग लेफ्ट में बढ़ते हैं, ये दम दिमाग में आप फिट कर लो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको जब लेफ्ट में बढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट में नंबर लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने नंबर लिख करके। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ इधर 10, 11, 12 उधर भी लिखते हैं, एकदम नहीं लिखना, 9 से स्टार्ट करना और माइनस में बढ़ना है, इसलिए हम लोग लेफ्ट में नंबर लिखेंगे। तो 8, 7, 6, 5, 4 इस तरीके से आप नंबर लिख लो। अब देखो, 6 कदम पीछे बढ़ना है, -6 करना है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, 1 कदम ऐसे चलो, ये सेकेंड, ये थर्ड स्टेप हुआ, फोर्थ स्टेप हुआ, फिफ्थ स्टेप हुआ, और ये सिक्स स्टेप हुआ। तो जब हमने 9 में से -6 को प्लस किया, हमने देखो एक तरह से प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन हम निगेटिव वाले नंबर को जब प्लस करते हैं ना तो बाएं साइड में बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना बस। तो हम कहाँ पर पहुँचे, 3 में पहुँचे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कितना सिंपल था। सेकेंड वाला देखो, उसमें भी नंबर लाइन में आपको पहले ड्रॉ करना बताता हूँ। 5 था, 5 में प्लस करना है -11, तो आप क्या करो, राइट साइड में सबसे जो लास्ट वाला हमारा लाइन रहेगा ना, उसमें आप क्या करो, 5 लिखो सबसे पहले, तो क्योंकि हमारे पास 5 दिया हुआ है, और उसमें हम लोग को लेफ्ट साइड में बढ़ना है क्योंकि -11 है। तो अब लेफ्ट साइड में आप नंबर लिखना शुरू कर दो। समझ में आ रहा बात ना, राइट में नंबर लिखेंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिख सकते हो, ये नहीं है कि गलत हो जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको लेफ्ट में बढ़ना है, इसलिए बस 5 से स्टार्ट करो और लेफ्ट में नंबर लिखना शुरू करो। जैसे कि 5 से पहले 4 आता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 आता है, फिर माइनस वाले नंबर शुरू हो जाते हैं, -1, -2, -3। ये अपनी एक्सरसाइज 6.1 एकदम क्लियर कर ली अपने माइंड में, तो बस हम वैसे ही करेंगे। अब हमको 11 कदम पीछे चलना है ना, 11 स्टेप्स लेने हैं, तो हम लोग चलो जल्दी से स्टेप्स लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये आ गया हमारा 11। तो 11 में हम कहाँ पर पहुँचते हैं, -6 में पहुँच गए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -6। देखा कितना सिंपल है, बस एक बार अपना नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखो, उसके बाद तो आपको पूरा का पूरा इजी लगने लगेगा। चलिए, जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सी में क्या बोला जा रहा था कि -1 में आप प्लस करो -7, तो फिर से माइनस वाले नंबर को प्लस करना है, इसका मतलब फिर हम इधर चलेंगे, बाएं तरफ बढ़ेंगे, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, -1। जो नंबर इधर हो ना उसको आप लास्ट में लिख दो सबसे पहले, तो -1 हमने लिख लिया। अब हमको कितने कदम चलने हैं, 7 कदम चलने हैं, वो भी पीछे की तरफ, क्योंकि ये माइनस है, तो हम लोग इधर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो हम लोग जब 7 कदम चले, 7 कदम चले, तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं, -8 में पहुँचते हैं। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो -8 हो जाएगा। चलिए, डी वाला सॉल्व किया जाएगा। डी देखो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब प्लस वाले नंबर को प्लस करना रहे तब हम लोग राइट साइड में बढ़ते हैं, तो -5 में 10 हमको प्लस करना है। ठीक है, -10 नहीं है, अगर -10 रहता ना तो हम लोग इधर लिखते -5 और इधर बढ़ते, लेफ्ट साइड में बढ़ते, लेकिन ये तो प्लस वाला 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में बढ़ेंगे, दाएं तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर -5 आप किधर, अब राइट साइड में हमको बढ़ना है, लेफ्ट में तो हमको बढ़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट में नंबर लिख करके राइट साइड के नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, इधर नंबर लिख रहे थे और लेफ्ट में बढ़ते, हम इसलिए इधर का नंबर लिखते थे, इस साइड का नंबर ही नहीं लिखते, इधर भी तो हमारे 0 और 1, 2, 3, 4 ये सब आता, लेकिन हम लिख नहीं रहे थे क्योंकि उधर का वेस्ट है काम, है ना, उसका हमको यूज़ ही नहीं है।
है, उसी तरीके से यहाँ पर अब हमको माइनस फाइव में टेन को प्लस करना है, यानी कि माइनस फाइव से हमको राइट साइड में बढ़ना है। तो इधर आप माइनस फाइव लिखोगे इस बार, ठीक है, इधर नहीं लिखोगे, और इधर लिख करके आप टेन कदम आगे इधर बढ़ना, पीछे तो बढ़ना ही नहीं है, और इसलिए पीछे नहीं बढ़ना है तो हम पीछे का नंबर नहीं लिखेंगे, केवल दस कदम हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो 10th कदम जब हम बढ़ते हैं आगे तो हम किस में पहुँचे, प्लस वाले 5 में पहुँच गए, यानी कि माइनस 5 में अगर हम लोग प्लस 10 करेंगे तो हमारा आंसर प्लस 5 आएगा। कितना सिंपल था, देखा। अब ये ई और एफ आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, लेकिन ये तो और ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है, तो देखो माइनस होने पहले हमको माइनस 2 करना है, यानी कि फिर बाएँ तरफ ही बढ़ना है, और उसके बाद फिर से हमको माइनस 3 करना है, यानी कि फिर हमको बाएँ तरफ बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 से लाइन लिखना शुरू करेंगे और बाएँ लेफ्ट साइड में बढ़ना है, इसीलिए हम लोग इधर ही नंबर लिखेंगे, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, निगेटिव वाले हैं। तो देखो माइनस 1 है, उसमें माइनस 2 करना है, यानी कि दो कदम पीछे चलना है। तो यहाँ से हमने पहले एक कदम चला और ये दूसरा कदम चला, तो हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं, माइनस 3 में पहुँचे। उसके बाद जहाँ भी पहुँचे हो आप, उसमें से माइनस 3 और करो, यानी कि 3 कदम और इधर चलो लेफ्ट साइड में। तो फिर से हम लोग 1 2 और ये 3, तो एक बार और हमने जब चला कदम, यानी कि पहले हमने दो कदम चला तो माइनस 3 में पहुँचे थे, उसके बाद फिर माइनस 3 हमको और करना है, यानी कि 3 कदम और चलने लेफ्ट में, तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे, माइनस 6 में पहुँचे। यानी कि इन सभी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर माइनस 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक बार प्लस भी है और एक बार माइनस भी है। माइनस 2 से स्टार्ट हुआ है, हम लोग माइनस 2 को इधर लिखेंगे, बिकॉज हमको पहले क्या करना है, पहले प्लस करना है ना, तो हम लोग इधर से लिख करके राइट साइड में बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर 0 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने नंबर लिख लिया। अब माइनस 2 से हमको क्या करना है, 8 कदम आगे बढ़ना है, 8 स्टेप आगे बढ़ने हैं, क्योंकि ये प्लस वाला 8 है। तो हम लोग 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8, यानी कि हम जब 8th कदम चलते हैं तब हम कहाँ पर पहुँचते हैं, प्लस वाला 6 में पहुँचते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ भी आप पहुँचे हो उसमें फिर माइनस 4 करो। तो माइनस 4 का मतलब कि वापस आओ, पीछे आ जाओ 4 कदम। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, तो नीचे हम लोग ऊपर पीछे मत चलो, ऊपर थोड़ा ख़राब दिखेगा, नहीं तो नीचे से चलो पीछे। ये हो गया 1 कदम, ये हो गया दूसरा कदम, ये तीसरा कदम और ये हो गया हमारा 4th कदम। तो हम लोग जब 4th स्टेप पीछे लेते हैं तो हम कहाँ पहुँचे, 2 में पहुँच गए। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो 2 होगा प्लस वाला। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी सिंपल क्वेश्चन, बस एक बार आपको समझना है, उसके बाद आपसे सारे के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर हमको नंबर लाइन यूज़ नहीं करना। तो बिना नंबर लाइन यूज़ किए एक छोटा सा ट्रिक होता है प्लस माइनस वाला, वो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। तो आपसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके भी जो प्लस माइनस हमें दिए हुए, वैसे तो ऐड ही है, लेकिन कई कई बार क्या होता है ना, इंटीजर में लिखा तो ऐड रहता है लेकिन करना पड़ता है सबट्रैक्ट, तो वो आपको मैं वहाँ पर समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके सामने दो विंडो पे नगे होंगे। लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, और राइट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।